दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या बताया था और क्या रहा। तो डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है, ये आप लोगों को पता है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अभी 12 जून को क्या हो सकता है, पहले आप लोग ये सुन लो। सुबह ये मैंने डाला था आप लोगों को जहां मार्केट ने टॉप बनाया था। यहां पे क्या है कि ये तकरीबन एंड आ गया अभी मार्केट का, निफ्टी का। अभी यहां देखना है 15,833.30 यही है आज के लिए हाई। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब तक इसका सपोर्ट है एक करीब 15,800, ठीक है, तो ये जब तक 15,800 को नहीं तोड़ता है, जब तक पुट मत खरीदो। जो आपके पास, किसी के पास एक लोड दो लोड जो भी है उसको आराम से देखो। ये मत हो जाओ कि भाई ये उड़ गया तो ये हमारी पकड़ में नहीं आएगा बिल्कुल, या कुछ और करने वाला है। जैसे ही 800 तोड़ता है ये आपकी फेवर में, ठीक है, और जब उसके ऊपर है हमारी फेवर में नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर किसी को तेजी करना है या जो भी है, यहाँ तेजी करने वाला मार्केट नहीं है। हाँ, हो सकता है 10-20 पॉइंट और ऊपर चला जाए या जो भी है, तो आराम से देख लो, ठीक है। और जिसके पास ऊपर की पोजीशन में, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। बैंक निफ्टी जब 35,000 तोड़ेगा ना, जब देखो, अभी आप लोगों ने वीडियो सुन लिया टेलीग्राम पे, आप लोगों को इतनी क्लियर बात बताने वाला कोई नहीं है, ठीक है। सभी अभी आप चैनल देख लेना, कल भी देख लेना, जब चाहो जिस चैनल को देख लेना, वो सब उड़ा रहे होंगे। अभी सभी बोल देंगे भैया 802 का स्टॉप लॉस हो गया और अब ऊपर उड़ लो जितना उड़ना है। मैं बिल्कुल एक्यूरेट आपको 20 बार टॉप से मार्केट को नीचे बताया है आपको, जितने वीडियो हैं जहां गया होगा मैंने आप लोगों को बोला होगा, ठीक है। और अभी ऐसा नहीं कि ये टॉप बन गया या नीचा बन गया। देखो, हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडर हैं, हम लोग आज की बात कर रहे थे। तो मॉर्निंग में बताया भाई यहां आपकी कॉल है, प्रॉफिट बुक करो, 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट देख लो। वहां से करीब करीब 75 पॉइंट निफ्टी नीचे आया है और 350 पॉइंट बैंक निफ्टी आया है इस टॉप से, जहां मैंने बोला है 9:30 बजे आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब बाकी देख लो। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा कोई वो बन गया, ये नहीं कह रहा हूं मैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं, वहां कुछ देखते हैं कि आज के युग कहां तक ज्यादा तेजी वाले हैं, अब क्या रहेगा, बस इतना। और कोई हमारे पास बड़ी विद्या वगैरह नहीं है कि भाई कोई तांत्रिक ज्योतिष वो उससे बताते हो, हाँ भाई यहां तक ये ठीक था, है ना। अब वो जितना भी बढ़ा हो, मैं हो सकता है 150 बढ़ जाता, वो कुछ नहीं पता लगता ऐसा। हाँ, मार्केट नहीं मानता वो दूसरी बात है, ठीक है। आप लोगों को बताया था फायदा हुआ होगा, अभी वो आप लोगों का है। अभी नेक्स्ट अभी क्या करना है, अभी हमारा हाई क्या था, 850 के लिए था। हो सकता है कि मंडे को भी मार्केट गैप अप खुले। भाई जैसा चल रहा है, वो तो एक तरफा रैली चल रही है, वो बिल्कुल अंधे हो गया आदमी चल रहा है, गैप अप खुला है, ठीक है। तो आप लोगों को इस एरिया में जो मैंने बताया हुआ है, ये सतर्क रहना है। देखो, कोई चीज है मार्केट हो, जब ऊपर जाता है तो हम पकड़ नहीं पाते हैं, नीचे जाता है तो भी नहीं पकड़ रहे, फिर कहां जाए। तुम्हारे को जब नीचे आता है मैं बोलता हूँ ये, जब ऊपर जाता है हाँ भाई हो गया। अभी यहाँ से क्या हो सकता है, 10-20-50 पॉइंट, 800 चला गया, 860 चला गया, 890 चला, भाई यही है। तो यहाँ करना क्या है, फंसना नहीं है। एक वीक पहले से मैंने बता दिया है मार्केट के अंदर। अच्छा, दूसरी बात यह है, क्या इसके ऊपर नहीं जाएगा, वो जब जाएगा तो फिर बताएंगे ना भाई। आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं इसलिए आंसर दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, सर अब ये कहाँ तक जाएगा, भाई यहीं तक है, ठीक है, बात समझ रहे। अब हम बोल रहे हैं यहां तक है, यहां से ऊपर जाएगा मानो
कोई ले भी ले हमें पता है इतने पे आएगा ठीक है भाई, अभी तेजी कर लो आप लोग, इतना ही होगा ना, इसके अलावा कुछ नहीं होना है, पर कहीं ना कहीं यही है। ठीक है, अब हमने 11 तारीख 12 नहीं ये है 14 तारीख, दो दिन बंद है ना मार्केट में, गलत लिखा है 14 और ये हम 14 की बात कर रहे हैं, और ये थी आज की। आज हमने क्या बोला था, मंदी बोली थी। अब मार्केट में स्टार्टिंग में तेजी रही है, ऊपर खुला 9900 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया है तो तेजी हुई है स्टार्टिंग में। अगर इसके बाद देखो तो बैंक निफ्टी करीब 200 आया है और फिर वो ग्रीन में गया ही नहीं पूरे दिन, 10 साढ़े 11 बजे के करीब से वो पूरा मंदी में रहा है। अब देखो मार्केट के ऊपर हमारे करीब करीब 300 से लेके 400 पॉइंट निफ्टी के बेईमानी के हो गए। ये बेईमानी क्या है आप लोग देख लेना, आगे अभी दिखा देंगे आप लोगों। ये बेईमानी क्या होती है कि मार्केट को मेरे हिसाब से करीब 400 साढ़े 400 के पे आज क्लोज होना चाहिए था, जो जो किसके योग कल के थे और आज के थे, कितने पे क्लोज होना चाहिए 400 पे, मतलब 8400 पे होना चाहिए था। अभी मार्केट कितना है 800 के करीब है। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट पेंडिंग है मार्केट पे। अब ये कब हिसाब करेगा, सोमवार को करे, मंगल को करे, बुध को करे, वो उसकी राजी है, लेकिन हमारी तरफ से 400 पॉइंट पेंडिंग चल रहा है, ये आप लोग लिख लो। मैं यहां पे भी कहीं लिख देता हूं, जब आप लोग देखोगे तो हर रोज ध्यान कर लेना ये पेंडिंग है ना। ठीक है, ये वाले इसका हिसाब करेंगे जब आएगा हिसाब। अब जिसको उछालना है, मार्केट में क्या हो रहा है आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक्चुअल हो क्या रहा है, हम भी उसमें ट्रेडिंग कराते हैं प्रीमियम में, अभी लोग बागों के पास पैसा नहीं है क्या, सुबह क्लियर दिखाई दे रहा था जब मार्केट नीचे आया है, बैंक निफ्टी 200 के करीब वहां मार्केट नीचे था गया, वहां पर तीन या चार शेयरों को एकदम उठा दिया। किस किस को उठाया, TCS, इंफोसिस, SCL टेक, इनमें एकदम बाइंग आई। तो प्राइस पे अगर हम देखें, प्राइस उसका वहां पे जो वॉल्यूम के साथ जो कैंडल बनती है ना, आपको मैं फ्री वाला एक सॉफ्टवेयर बताया हुआ है, मोबाइल में ही आ जाता है, उस पर ये बड़ी बड़ी कैंडल बननी शुरू हो गई थी वॉल्यूम वाली स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वहां से पता लग रहा था ये मार्केट को अब नीचे नहीं आने देंगे। ठीक है, तो वो तीन चार शेयर जो वहां से उठा लिए, रिलायंस तो सुबह से खड़ा ही था, उसको उठाया था। तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा, जो 50 शेयर है ना उसमें वहां थोड़ा आइडिया मिल जाता है, जो किसी की मदद नहीं लेते जो ट्रेडिंग करते हैं बंदे, तो इस टाइप से आप पकड़ सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है या ऊपर ही रहेगा। तो देखो वो हो गए डॉक्टर रेडी, हो गया बजाज फाइनेंस को फिर उठा लिया था, बाद में कंसोलिडेट करता रहा क्यों, काफी हाई आ गया उसका। तो ये चार पांच शेयर की वजह से पूरा इंडेक्स मार्केट ऊपर चल रहा था। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे ये तो हो गया क्लियर, फिर आप लोग YouTube पे लिखोगे कि कुछ बताया नहीं, अब जो मानना है वो मान लेना, जिसको मंदी माननी है मंदी मानो, तेजी माननी है तेजी। अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी में पुट का प्राइस नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक बार बढ़ा था 15-20 रुपए, जो कम वाली पुट थी, करीब बोलो तो 60-70% बढ़ गया था। हाँ, बैंक निफ्टी की जो पुट थी वो डबल से ज्यादा हो गई थी ऊपर से। हमने भी प्रीमियम में पुट खरीदवाई थी बैंक निफ्टी की, 156 स्टॉप लॉस था, नहीं 150 स्टॉप लॉस था 34,500 की का, और नहीं 150 स्टॉप लॉस और 156 पे, तो वो 225 तक के करीब गई थी। देखा जाए तो इतने पॉइंट बहुत हैं अगर एक्टिव है, फिर नीचे गई है, फिर खरीदवाया 10-20 पॉइंट मिले थे, इतना ही ट्रेड हुआ।
पूरे दिन लगे रहो, पैसे को देते रहो, इधर जाएगा उधर जाएगा, वो नहीं। एक बार पता लग गया हाँ भाई अब ये नीचे आएगा, कुछ कई एक कारण होते हैं वो पता करने की, कोई टेक्निकल से पता करो या एक अपना आइडिया है हमारा ज्योतिष के हिसाब से, जो ग्रह होते हैं उसके हिसाब से है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब 14 तारीख को क्या बोल रहा है, मंदी की तरफ मार्केट को रहना चाहिए, गैप अप खुल जाता है या ऊपर आता है, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को बताऊंगा। हाँ भाई आ लिया जहां आना था, अभी आप अपना क्रिच कर लो। अच्छा उसमें ये रहता है 10 पॉइंट आगे पीछे होगा, पर आपको एक स्ट्राइक लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसा हो गया, अभी जिसको पुट लेनी है या जो भी है, तो आप लोग वो कार्रवाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये जो हमारे पास एक्सचेंज है, कल आप लोगों ने बहुत एक्सचेंजों के नाम लिखे, मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर, कई तरीका होते हैं कई चीज जानने के। बहुत आदमी ने व्हाट्सएप पे लिखा थैंक यू उनके लिए, बोला मैं इतने साल से इसको कर रहा हूँ यूज, ये परेशानी आती है, ये आती है, ठीक है। तो सभी को रिसर्च करने के बाद, और भी आज किसी को लगता है टेलीग्राम पे लिखने की जरूरत नहीं, कष्ट करने की जरूरत नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे लिख देना, कोई 10-20 साल से यूज कर रहा है और वो हैंग नहीं हो रहा। अभी कुछ ने लिखा था कोटक सिक्योरिटी, तो वो क्या है, उतने लैपटॉप वगैरह से करो या उससे, तो उनमें क्या है कि थोड़ा सा उतने फास्ट एक्सचेंज नहीं है ये, होने को सबको जिसके पास जो चल रहा है वो अच्छा लगता है सभी को। अब किसी बंदे ने लिखा था कि इसमें एंजल ब्रोकर में कल कोई परेशानी नहीं आई है, मैं भी चला रहा था इसी को, या तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना था उसकी परेशानी हो सकती है, या सॉफ्टवेयर की परेशानी लिखी थी, और एक लिखा था नेट की परेशानी हो सकती है वहां पे। तो ये मैं मानता हूं कि भाई ऐसा होगा, लेकिन इतने आदमी को थोड़ी होगी एट ए टाइम। अभी किसी का फोन आया था उसके 12 लाख रुपए बता रहा था, कोई 8 लाख रुपए भी बता रहा था मेरे को कि मेरे इतने चले गए सर ऑर्डर डाला, वो तो वहां से वहां बंद हुआ है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई लास्ट तक एक्सचेंज में, अभी मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा। तो इसके बारे में भी कोई अगर पता है, मान लो जैसे एक्सचेंज की वजह से हो गया और मार्केट नीचे हो गया, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो क्या उस टाइम को कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्या उस टाइम को कंसीडर करते हैं या नहीं करते, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये छोटी चीज है, आम जनता इसमें फंसती है। अब जैसे इतने बंदों के मेरे को काफी ने मैसेज किया, मेरे इतने चले गए इतने, तो सिर्फ हम जानना चाहते हैं उसी चीज को आपको बता देंगे। मान लो कोई एक्सचेंज है बहुत बढ़िया है ना, अब इंडिया में तो करोड़ों आदमी काम करते हैं, उतना लोड तो वो नहीं ले सकता, पर फिर भी उसमें जो बेस्ट है ना 2-3 वो निकाल लेंगे सब में से कि भाई ये ठीक है, वो ही लिंक हम देंगे, क्यों जरूरत में खुलवाना है भाई, पैसा तो सभी ले रहे हैं ना, मानो 2 रुपया कोई ज्यादा ले ले और सर्विस, ये तो इतना गंदा एक्सचेंज है जरूरत, ये मान लो किसी दिन मार्केट जिस दिन सडन फॉल आ जाए या सडन अप जा रहा है, ये बंद हुआ या इसको पता होता है या बता दिया जाता है पहले से, मतलब ये एक्सचेंज हैंग हो जाता है तुरंत, ये वाला जो है जरोदा, मतलब कितने आदमी बिल बिलाते हैं वहां पे, भाई तुम्हारी बढ़ भी गया प्राइस और एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या हुआ। ये सारी चीजों पे जो छोटे कस्टमर हैं उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, नहीं तो एक एक्सचेंज दो एक्सचेंज 5 हो मतलब इंडिया में, और उसमें पता लग जाए भाई ये ठीक है ये सही काम कर रहा है। अब होने को तो जैसे HDFC है, SBI है, ICICI है, ये सभी अच्छे हैं, लेकिन इनमें बहुत टाइम लगता है उसमें ट्रेडिंग करने में, वो मैनुअल मैनुअल क्या है उनमें वो डाल के, मतलब इतनी जल्दी एक्जीक्यूट नहीं होती है ट्रेड, वहां तो सडन चाहिए सेकंडों में, नहीं तो प्राइस एकदम जाता है ऐसे आ जाता है, तो उस काम के लिए तो ये जरूरत अच्छा है, बाकी के लिए ठीक नहीं है। मानो जैसे जब भी फॉल आएगा मार्केट में या जब भी तुम ट्रेड चाहोगे नहीं एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो आज बहुत टाइम हो गया, ये तो चलो कोर्स का कुछ नहीं है, या कल से शुरू हो रहा है,
किसी का दिल क्या हो ही गए सभी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।